बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अगर आप अपने फेसबुक पेज का नाम तब्दील करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने फेसबुक को ओपन करना होगा। फेसबुक को ओपन करने के बाद आपने फेसबुक पेज को स्विच करना होगा, यानी फेसबुक पेज को ओपन करना होगा। फेसबुक पेज को ओपन करने के बाद आपने ये जो राइट कॉर्नर में थ्री लाइंस बने हुए हैं फेसबुक के आइकन के साथ, फेसबुक पेज के आइकन के साथ जो थ्री लाइंस बने हुए हैं, आपने इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बाएं तरफ ये फेसबुक का पेज है और राइट कॉर्नर में जो है फेसबुक की आईडी है। तो मैंने जो है फेसबुक का पेज जो है वो लॉगिन किया हुआ है, स्विच किया हुआ है। तो आपने नीचे जाना है और नीचे जाने के बाद आपने सेटिंग्स पर क्लिक करना होगा। तो सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है पेज सेटिंग्स, तो आपने ये ऊपर पेज सेटिंग्स पर क्लिक करना होगा। पेज सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन के नीचे लिखा हुआ है एडिट प्रोफाइल नेम एंड यूज़र नेम। यहाँ से आप प्रोफाइल नेम और यूज़र नेम जो है वो आप एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो नीचे लिखा हुआ है नेम, तो ये मेरे पेज का नाम है, तो आपने इस नेम पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा कि आप तो यहाँ पर मेरे पेज का नाम जो है वो आ चुका है और इसके नीचे लिखा हुआ है इफ़ यू चेंज योर नेम ऑन फेसबुक यू कांट चेंज इट अगेन फॉर 7 डेज। कि अगर आप अपने फेसबुक पेज का नाम तब्दील करते हैं, चेंज करते हैं, तो 7 दिन से पहले आप इसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते थे, यानी 7 दिन के अंदर आप दोबारा इसको चेंज नहीं कर सकते। तो फर्ज़ करें कि मैं अपने पेज का नाम जो है वो चेंज करता हूँ और इससे पेज के सामने जो टी क्यों लिखा हुआ है मैं इसको मिटा लेता हूँ, इसको हटा लेता हूँ, यानी आपके सामने मैं अपने पेज का नाम जो है वो चेंज करता हूँ। तो मैं आपके सामने इस पेज का नाम चेंज करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरह अपने पेज का नाम जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो टी क्यों लिखा हुआ है मैं इसको हटा लेता हूँ, यानी तिलावत कुरान टी क्यों, तो ये टी क्यों मैंने हटा लिया, अब सिर्फ तिलावत कुरान रह चुका है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि 7 दिन से पहले आप इसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते। तो ये नीचे लिखा हुआ है रिव्यू चेंज, अपने रिव्यू चेंज पर जो है क्लिक करना होगा। जब आप रिव्यू चेंज पर क्लिक करेंगे तो ये ऊपर लिखा हुआ है करंट पेज नेम और न्यू पेज नेम, तो ऊपर ये करंट पेज का जो नाम है, यानी मौजूदा जो नाम है पेज का वो लिखा है, और नीचे जो मैंने नया नाम दिया है इसे ठीक क्यों हटा लिया है वो नेम यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये नीचे लिखा हुआ है कि अगर आप इस पेज का नाम तब्दील करते हैं, चेंज करते हैं, तो हम 3 दिन के अंदर इसका रिव्यू करेंगे, यानी चेक करेंगे कि क्या ये नाम सही है या सही नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम दोबारा आपसे मज़ीद मालूम जो है इस नाम के बारे में कर सकते हैं। और अगर आपका नया जो है पेज का नाम तब्दील हो जाता है तो फिर आप 7 दिन से पहले इसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते। तो पेज का नाम चेंज करने के बाद आपने नीचे पासवर्ड देना होता है, तो यहाँ पर आपने पासवर्ड दे देना है। जब आप पासवर्ड देते हैं तो इसके बाद आपने सेव चेंजेस पर क्लिक करना होगा, यानी ऊपर आपने फेसबुक आईडी का पासवर्ड देना है, पासवर्ड देने के बाद आपने सेव चेंजेस पर क्लिक करना है। इस तरह आपके फेसबुक का नाम जो है वो चेंज हो जाएगा और 3 दिन के अंदर जो है इसको रिव्यू हो जाएगा और जितने भी आपके फॉलोअर्स हैं उन सब तक ये नोटिफिकेशन जाएगा कि आपने इस पेज का नाम जो है ये चेंज किया है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ और शुक्रिया।